यह है नॉर्मल ट्राइपॉड, यह है एक फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड और यह है एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड आपको लोकली 600-700 रुपए का मिल जाएगा और ये काफी काम चलाऊ ट्राइपॉड है। अगर आप लोगों के पास प्रोफेशनल महंगे वाले कैमरे हैं तो आपके लिए किसी काम का नहीं है। एंड अभी आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा टूटा गया है। मैं इसको पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ अपने कैनन M50 के समय। तो इनिशियली तो ये काफी बढ़िया चला, लेकिन जब ये एक बार टूट गया फिर उसके बाद ये किसी काम का नहीं था, मतलब उतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहा। एंड जिस टाइप की वीडियोस मैं बनाता हूँ वो इस ट्राइपॉड से बनाना थोड़ा टफ पड़ता है, तो इसीलिए मैंने इस ट्राइपॉड को बाय किया है, जो कि मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा। तो 1.5 साल यूज करने के बाद अब इस ट्राइपॉड की ये हालत है, तो डेफिनेटली इसने काफी साथ दिया है, बट अब मैं इसको यूज नहीं करने वाला हूँ। अब चलते हैं दूसरे ट्राइपॉड की तरफ, जो कि है एक 400 रुपए का ट्राइपॉड। लोकली आप लोग ढूंढोगे तो ये और भी सस्ता मिल जाएगा। एंड ये काफी बढ़िया ट्राइपॉड है। इसके बॉक्स में आपको एक ट्राइपॉड मिलेगा, एक बॉल माउंट मिलेगा और एक फोन होल्डर मिलेगा। इसको आप लोग अपने कैमरे, गोप्रो या फिर फोन के साथ भी यूज कर सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जो चीजें ये ट्राइपॉड कर सकता है वो ना ही ये कर पाएगा और ना ही वो वाला ट्राइपॉड कर पाएगा। जैसे कि आप लोग इसको कहीं भी अटका सकते हो, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। एंड व्लॉगिंग के लिए भी आप लोग इस ट्राइपॉड को यूज कर सकते हो। लेकिन आज हमारी वीडियो का मेन हीरो है ये वाला ट्राइपॉड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये ट्राइपॉड आखिर बाय क्यों किया है। तो रिसेंटली आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे जो सपोर्ट दिखाया है उसी की वजह से मैंने इस ट्राइपॉड को बाय किया है, क्योंकि अब फाइनली क्वालिटी अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। एंड इसको लेने से कैसे क्वालिटी अपग्रेड होगी ये आपको आगे वीडियो में खुद पता चल जाएगा। अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और कुछ नहीं है। तो बॉक्स में आपको एक बैग मिलेगा एंड ये बैग की क्वालिटी काफी बढ़िया है। अगर आप लोग इसको कंधे में टांग के ले जाओगे तो बेकार भी नहीं लगेगा, काफी बढ़िया लगेगा। बैग में ऊपर की तरफ लिखा है डिजिटेक प्लेटिनम। स्ट्रैप्स भी इसकी काफी बढ़िया है, क्वालिटी काफी बढ़िया है, उतनी जल्दी टूटेगी नहीं। एंड अगर इसको अनजिप करेंगे तो फाइनली ये है हमारा ट्राइपॉड। ओ भाई साहब, ये तो देखने में ही प्रोफेशनल लग रहा है, इतना भारी। ज्यादा भारी भी नहीं है बट काफी बढ़िया ट्राइपॉड है। अभी इसको आगे और डिटेल में देखेंगे। आप लोगों को झलक दिख गई क्या? इन लोगों ने आपको नहीं देखा? नहीं, 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 देखा, पूरा देखा। इसके अलावा आपको इसमें एक यूजर मैनुअल मिलती है और कुछ नहीं, बस इतना ही मिलता है। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी चीजें तो मैं बताऊंगा। तो फाइनली ये है हमारा ट्राइपॉड। मैं इसको खोलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, अब फाइनली खुल गया है। और आप लोग इसको एक बार देखो, ये लग कितना प्यारा है। यहाँ पे आपको सामने ही डिजिटेक प्लेटिनम DPTR 890 VD लिखा हुआ है, इसकी ब्रांडिंग है डिजिटेक की। पूरा मैट फिनिश में है, मैट फिनिश में तो वैसे सबका दिल आ जाता है, ये फिर भी इतना प्यारा है। अब इसके मैं आप लोगों को कुछ फीचर बताता हूँ। तो इसके साइड में आपको एक इस तरह का हुक मिलता है, एक इसकी टांग में इस तरह की ग्रिप है। पर ये तीनों ही टांगों में होती तो काफी बढ़िया हो जाता, लेकिन एक से भी काम चल जाएगा। इसको पकड़ने के बाद इसकी ग्रिप काफी बढ़िया है, मतलब स्लिप नहीं होता है, तो ये काफी बढ़िया चीज लगी मुझे। इसके अलावा आपको ट्राइपॉड में नीचे एक इस तरह की रिंग भी मिलती है, इसको एंगल लॉक कहते हैं। तो अगर अभी आप लोग नोटिस करोगे तो ट्राइपॉड का एंगल मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको घुमा तो ये लॉक हो गया, अब ये हिलेगा भी नहीं। और इसके अलावा अगर आप लोग इसके पैर के लॉक के साउंड सुनोगे तो वो भी काफी सेटिस्फाइंग है, मतलब बहुत ही मजा आता है सुनने में। एक बार आप लोग सुनो। इसके बटन से ही लग रहा है कि ये प्रोफेशनल ट्राइपॉड है। इसमें नीचे आपको एक इस तरह का हुक भी मिलता है, तो अगर आपका कैमरा भारी है तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे कुछ वेट वगैरह रख सकते हो। तो ये ट्राइपॉड आपको ऑनलाइन 3,000-4,000 का मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसको दिल्ली से चांदनी चौक वाली मार्केट से खरीदा है, तो ये मुझे कंपैरेटिवली काफी सस्ता मिला है, 2,500 का मिला है। मैं घर से निकला था कि मैं हिपिन वाला ट्राइपॉड लूंगा, शायद वो 5,500 का है, लेकिन जो जो फीचर्स उस ट्राइपॉड में थे वो मुझे इसी ट्राइपॉड में मिल गए। बस इसमें एक ही फीचर नहीं है कि इसको हम लोग इस तरह से नहीं लटका सकते जैसे हिपिन वाले को लटका सकते, लेकिन उसकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं जिस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ उसमें उस एंगल का कोई काम ही नहीं है। मतलब अगर होगा भी तो मैं इसी दूसरे ट्राइपॉड का यूज कर सकता हूँ, केवल उस फीचर के लिए इतने एक्स्ट्रा रुपए खर्च करने की मुझे जरूरत नहीं लगी। तो ऊपर जो इसका हेड है वो काफी स्मूथ है, आप लोग इसमें इस तरह की पैन मूवमेंट या फिर इस तरह की मूवमेंट कर सकते हो। और इसको और स्मूथ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से इसको लूज करना है, देन ये वाली मूवमेंट और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। एंड इस मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए आप लोग यहाँ से इस नॉब को भी ढीला कर सकते हो। एंड अगर आप लोग इस नट को थोड़ा ढीला करोगे तो आप लोग यहाँ से इसका एंगल भी सेट कर सकते हो, तो कोई भी एंगल आपको चाहिए होगा तो उसके लिए ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। मैक्सिमम आप लोग इतना कर सकते हो और मिनिमम इतना कर सकते हो। तो इसके बाकी फीचर बताने से पहले एक बार इसका वेट नाप लेते हैं कि ये कितने किलो का है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि ये ट्रैवलिंग वगैरह में कैरी कर सकते हैं या फिर नहीं। मतलब ट्रैवलिंग में तो कैरी कर ही सकते हैं, बट फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये है ट्राइपॉड का वेट। इस ट्राइपॉड की मैक्सिमम हाइट 5.83 फीट है। आप लोग एक बार देख भी लो कि ये कितना लंबा हो जाता है। तो प्रॉपर इसके तीनों लॉक खोलने के बाद ये कुछ इतना लंबा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक और नट है, इसको ओपन करके ये पूरा बाहर आ जाता है, वो आप लोग इस तरह से लगा सकते हो। तो इसकी टोटल हाइट कुछ इतनी हो गई है, तो ये काफी लंबा है। अब मैं आप लोगों को एक और फीचर बताता हूँ जिस वजह से
मैंने इस ट्राइपॉड को बाय किया है, तो इसको निकालने के बाद हम लोग इसको कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। एंड अब हम लोग कोई भी ओवरहेड शॉट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ओवरहेड सेटअप बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो उसके लिए फाइनली हमारे पास ये ट्राइपॉड है। तो अब चैनल पे बहुत ही तगड़े तगड़े बीरोल्स आने वाले हैं, मतलब वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी और भी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगी, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना। एंड इसी स्टिक को अगर हम लोग नीचे से ओपन करेंगे तो ये एक मोनोपॉड भी बन जाता है। अब इसकी मदद से हम लोग एक ड्रोन शॉट भी ले सकते हैं, एंड इसकी क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। तो अगर आप लोगों को YouTube वीडियो बनाने के लिए कोई ट्राइपॉड चाहिए तो उसके लिए यही ट्राइपॉड सफिशियंट है। तो मैंने इसकी काफी ज्यादा तारीफ कर दी है, लेकिन एक चीज जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है वो है इसका कैमरा माउंट। माउंट को कैमरे में लगाने के बाद अगर हमें बैटरी या फिर एसडी कार्ड निकालना है तो उसके लिए हमें इसको पूरा अनस्क्रू करना पड़ता है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग चीज है। अगर ये डायरेक्टली उसके बिना ही हो जाता, कोई और सिंपल वे होता तो काफी बढ़िया होता। और अगर आप लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप लोगों को इस ट्राइपॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास बजट है तो सबसे पहले आप लोग गियर्स में इन्वेस्ट करना। जितने बढ़िया गियर्स आपके पास होंगे उतनी ही बढ़िया आप लोग वीडियो बना पाओगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वीडियो बनाने जाते हैं और या तो लाइट खराब हो जाती है या ट्राइपॉड का एंगल खराब हो जाता है, तो ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से पूरा मूड खराब हो जाता है, एंड कभी कभी तो वो वीडियो बनी नहीं पाती है। मतलब जितना ईजी आप लोगों का वीडियो प्रोडक्शन होगा, ट्राई करना कि आप लोगों का सेटअप काफी ईजी हो, बस 2-3 बटन दबाओ और आप लोग डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सको। ये अभी फिलहाल मेरा भी ऐसा सेटअप नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाए धीरे धीरे। एंड स्टूडियो वाली वीडियो में आप लोगों ने जो मॉन्टाज देखा है वो भी मैंने इसी से शूट किया है, तो वो देखने के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हो।